नमस्कार, आज की खास खबरों में आपका स्वागत है। दिल्ली नगर निगम में मांस बेचने और उसकी दुकानों के लिए लाइसेंस को लेकर नया प्रस्ताव दिया गया है। इसके तहत अब धार्मिक जगहों के आसपास मांस की बिक्री नहीं की जा सकेगी। मांस की दुकानों को कम से कम 150 मीटर के दायरे से बाहर रहना होगा। आपको बता दें, यानी कि दुकानों और धार्मिक स्थलों की दूरी में करीब 150 मीटर का फासला होना जरूरी है। एमसीडी अधिकारियों के मुताबिक नए प्रस्ताव पर शुक्रवार को होने वाली पार्षदों की बैठक में चर्चा की जाएगी। उन्होंने बताया कि नए प्रस्ताव में जो नियम है वो उन दुकानों पर लागू नहीं होंगे जो पहले से ही नियमों के मुताबिक चल रही है। नई नीति में धार्मिक स्थल और दुकानों के बीच की दूरी 150 मीटर तय करने का प्रस्ताव है, जो दक्षिण एमसीडी पर आधारित है। धार्मिक स्थलों में मंदिर, गुरुद्वारा, शमशान और कब्रिस्तान शामिल हैं। नए प्रस्ताव में मस्जिद और सुअर के मांस की दुकानों को लेकर भी नियम बनाया गया है। आपको बता दें, मांस की दुकानों और मस्जिद के बीच की दूरी 50 मीटर होगी। इसके अलावा दूसरी मांस की दुकानों की दूरी मस्जिद प्रबंधन की सहमति से तय की जा सकती है। इसके अलावा बताया जा रहा है कि उत्तर पूर्व एमसीडी में मांस की दुकानों का लाइसेंस पाने के लिए उसके शुल्क में भी इजाफा किया जा सकता है। इनकी फीस दक्षिणी दिल्ली की दुकानों के बराबर की जा सकती है।